अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज तनवीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाई नेटवर्क को लेकर हर कोई बंदा जो है वो अपनी एक रिसर्च कर रहा है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें ये बोला जा रहा है कि पाई नेटवर्क लॉन्च होने वाला है और उसकी ये प्राइस होगी $20, $30, $100, $10,000, पता नहीं क्या क्या आपको सुनने को मिला होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या ये वाकई इसकी इतनी प्राइस होगी, इवन कि $1 भी जाएगा। दूसरी बात हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो अपनी नई अपडेट दी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसको डिस्कस किया जाएगा कि उससे क्या फ़ायदा हो सकता है और इन्होंने बेसिकली वो बनाया क्यों है। और इसमें एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसको अगर आप सेल करना चाहें अभी, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं इसको सेल, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। आज की वीडियो बेसिकली तीन पार्ट्स के ऊपर है, तीन वीडियो को समझ लें, एक वीडियो में डाला गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कम्प्लीट देखनी होगी कि आप लोग समझ सकें कि आया कि हम पाई नेटवर्क को कहीं यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। मैं यहाँ दुबई आया हूँ और यहाँ अभी बारिश हो रही है और बड़ा ही प्यारा मौसम हुआ है, तो आप लोगों को सोचा कि दिखाऊं और आप लोगों को कंप्लीट अपडेट दूं। यहाँ थोड़ा सा बाहर शोर है क्योंकि नीचे जो है वो रोड है और तो यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो यहाँ से फिर जो है वो आवाज़ ख़राब होगी। तो अंदर आ जाते हैं यहाँ पर और आप लोगों को जो है वो अपडेट देता हूँ कि कैसे जो है वो हम यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं पाई टोकन को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाई टोकन जो है वो आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, कि आया आप 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 में आ चुके हो, इतने साल से माइनिंग कर रहे हो, क्या आपको इसका रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस वक्त 55 मिलियन पीपल जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं, तो आप सोचो कि कितने ज़्यादा टोकन जो है वो लोगों के पास होंगे। मेरे पास इस वक्त 7,50,000 के करीब टोकन है, यहाँ आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ मेरे अकेले के पास इतने टोकन हैं तो बाकियों के पास भी कुछ ना कुछ होंगे, तो कितनी ज़्यादा सप्लाई इसकी बन जाती है, बिलियंस ट्रिलियंस में इसकी सप्लाई चली जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि अगर कोई प्रोजेक्ट इतनी ज़्यादा सप्लाई के साथ लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस क्या होगी। आप लोगों ने शिबा इनू देखा होगा, आप लोगों ने पेपे कॉइन देखा होगा, फ्लोकी कॉइन देखा होगा, उसकी प्राइस क्या थी, बहुत ज़्यादा कम है, $1 भी नहीं है, 0.000 समथिंग आगे जाकर शुरू होता है। तो इसकी प्राइस भी आप वो एस्टिमेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर वो मेरे पास 7,50,000 टोकन है तो वो सारे के सारे विड्रॉएबल नहीं है, ना ही वो ट्रांसफरेबल है, सिर्फ उतने ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जितने मैंने अपने उन लोगों से अर्न किए हैं जिनकी KYC हुई हुई है। यानी कि अगर मेरे पास 1000 लोग ऐसे जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया है, मेरा कोड यूज़ करके अकाउंट बनाया और माइनिंग शुरू की है और उनका वो शेयर जो है मुझे मिला है, तो सिर्फ उतने ही ट्रांसफरेबल होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इतने टोकन जो हैं वो 7 लाख में से तकरीबन कोई 19-20 हज़ार टोकन थे जो कि ट्रांसफरेबल मुझे मिले थे, कि जिनका मैंने ट्रांसफ़र भी किया था और सेल भी किया था। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी अच्छी की इन्होंने कि इन्होंने वो जो इन्फ्लेशन वाला सीन था कि इनकी कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे चली जानी थी, उनकी ये अब जो प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो इस तरह से इसकी सप्लाई को जो है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसकी माइनिंग छोड़ चुके हैं, बहुत से लोगों ने KYC नहीं की। और सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला चल रहा है पाई नेटवर्क के ऊपर, वो चल रहा है इसकी KYC को लेकर, कि यानी कि इसकी KYC नहीं हो रही, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, दो तीन महीने इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ तो ऐसे लोगों ने मुझे बताया कि हम 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक हमारी KYC नहीं हुई हुई और बाज़ दफ़ा रिजेक्ट हो जाती है, दोबारा अप्लाई करना पड़ जाता है। तो इस तरह से जो टोकन की प्राइस यानी कि उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल हो रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इससे इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है अगर ये लॉन्च होता है तो। दूसरी अपडेट है, और मैं ये एक बात बता दूँ कि अगर ये लॉन्च होगा भी तो मुझे फ्री में टोकन मिले हैं, मैं 4 साल से इसकी माइनिंग कर रहा हूँ, तो पहला काम क्या करूँगा मैं जैसे ये लॉन्च होगा, मैं करूँगा इसको सेल। तो जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी तो सारे लोग सेल करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर हो सकता है और जिसकी वजह से मार्केट में फ्लॉप भी हो सकता है, यानी कि इसको ख़रीदने वाले कम और बेचने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे, तो क्या होगा कि ये फेल हो जाएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको बचाने वाला ही कोई नहीं है। उसमें लॉकअप पीरियड आ जाते हैं, उसमें ये होगा कि जितने भी पुराने होल्डर्स हैं जिनको फ्री में मिले हैं, उनके हर मंथ या हर क्वार्टर में जो है थोड़े थोड़े टोकन अनलॉक होंगे, सारे एक बार में अनलॉक नहीं होंगे, इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, वो मैटर नहीं है। दूसरी अपडेट कि जो इन्होंने नई अपडेट दी है अपने एप्लीकेशन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की, कि यहाँ पर लोग अपनी एड्स चलवा सकते हैं और यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं उनको यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। यानी कि अगर आप मुझे ऐड चलवानी है अपने यूट्यूब चैनल की पीफर प्रोवाइडर की, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जाकर उनको बोलूँगा कि मुझे ऐड चलवानी है, वो क्या कहेंगे कि पाई टोकन ख़रीदो, पाई टोकन ख़रीद के उससे ऐड चलवा सकते हो। मैं क्या करूँगा, अपने USD उनको पे करूँगा और मेरी वो एड्स चला देंगे,
वो यानी कि यूएसडी दूंगा, पाई टोकन मिलेंगे, पाई टोकन से जो है वो मैं अपने एड्स चलाऊंगा और जो डेवलपर्स होंगे उनको जो है वो यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा। कंप्लीट ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये इन्होंने एक किस्म का इन ऐप अपना एक यूज़ केस बनाया है कि हम पाई कॉइन को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले उन्होंने एक यूज़ केस मुतारफ़ करवाया था कि हम जो है वो एक ऐसी तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जहाँ पर शॉपकीपर्स और ख़रीदार कस्टमर जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं और चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं पाई कॉइन को लेकर। अब ये वाली अपडेट जो यहाँ पर आ चुकी है। तीसरी चीज़, अगर आप इसको अभी सेल करना चाहते हो तो उसका क्या मेथड है। बहुत सी एक्सचेंजेस पर आपको पाई नेटवर्क हो सकता है कि लिस्टेड मिले, गया भी था, $1,000 तक भी गया था, लेकिन वो फेक वाला था, ठीक है, वहाँ पर बहुत से लोग ट्रैप हो गए थे। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने कंप्लीट तरीकाकार बताया हुआ है। अगर आपकी KYC कंप्लीट हुई हुई है और मेननेट भी आपने कंप्लीट किया हुआ है, यानी कि KYC मेननेट जो उसकी तकरीबन कोई 10 लिस्ट है, 10 चेकबॉक्स हैं, वो कंप्लीट आपने किए हुए हैं, तो आप जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स, मेननेट में अपनी टेस्टिंग कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे लोगों को फंड्स। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आपको वहाँ पर नंबर भी मिल जाएगा उस बंदे का जिसको मैंने सेल किए थे और लाइव करके भी दिखाया था कि किस तरह से सेल करने हैं। उसमें एक एक स्टेप मैंने बताया था कि किस तरह से उसका वो आपको अपना वॉलेट एड्रेस देगा, आपने किस तरह से उसके वॉलेट एड्रेस में वो फंड जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि जिसमें आप पाई टोकन को अभी अगर सेल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बात आ जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि पाई नेटवर्क की प्राइस जो है वो $30 है, $100 है, हम जो है वो ₹20-30 में क्यों सेल करें। तो भाई देखो, अगर आप नहीं सेल करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मैंने आप लोगों को सिर्फ आसानी के लिए ही वो बताया था कि अगर कोई सेल करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना तो नहीं करो, मुझे कोई मसला नहीं है। अब मैंने इतना इंतज़ार किया था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा निकालो यार, कुछ ना कुछ तो आए, फारग बैठा हूँ, कुछ खा भी लूँगा, ठीक है ना, तो मैंने सेल कर दिया था। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इंतज़ार करो, जब लॉन्च हो जाता है अगर तो आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मसला आता है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको पिक करके जो है वो मैं बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।